सब राहु की वक्र दशा का प्रभाव है। इससे बचने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष को दूध में भिगोकर प्रभात समय सोने की माला में पिरोकर गले में डालें। एक हफ्ते के अंदर अंदर उचित वर्ष से आपका विवाह संपन्न होगा। आज का दिन वृष राशि के लिए बहुत शुभ है। जितने भी कार्य करेंगे सब शुभ मंगल में होंगे, परंतु माँ इसमें दीदी की उम्र क्या लिखूं? हाय श्याम, चुप रह, सुनने दे मुझे जरा। अगर ये मिस हो गया ना तो एक हफ्ते के 10 हफ्ते लगेंगे और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ प्रिया, जरा देख कौन है। सुप्रभात माँ, पंडित जी आए। हाँ बुलाओ उन्हें। आइए पंडित जी, आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री। आइए आइए बैठिए, बिराज। प्रिया जरा दूध और मिठाई लेकर आ पंडित जी के लिए। आइए आइए पंडित जी, कोई अच्छा लड़का हो आपकी नजर में तो बताइए, हमें प्रिया की शादी जल्दी से जल्द करवानी है। अच्छा, मुझे एक बात है कि कुंडली में अगर कोई दोष हो इसके तो आप कुछ ग्रह शांति करवा दीजिए या कोई उपाय बता दीजिए। अभी वो टीवी वाले पंडित जी बता रहे थे किसी रुद्राक्ष के बारे में, ये वाकई रुद्राक्ष गले में बांधने से शादी जल्दी हो जाती है क्या? माँ प्लीज बताओ, मेरा काम रुका हुआ है। मैरिज प्रोफाइल में प्रिया दी की उम्र कितनी लिखनी है? 28 लिख दो। 28 क्यों? 28 क्या, 27 लिख दे या 26 लिख दे, लिख दे जल्दी अब। ये लीजिए, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, मेरी उम्र 33 है। अरे तो कौन सा तुझसे वो बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाने वाले हैं प्रिया? 33 है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप मुझे गलत सलत जानकारी ना दें। सबसे पहली बात तो डॉक्टर, वकील और पंडित जी से सच्चाई बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए। यदि आपने सच्चाई छुपाया तो घाटा आपका होगा। हाँ मैंने भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी शादियां कराई हैं जो अटूट बंधन साबित। ना इनसे ना उनसे, किसी से भी मेरी उम्र को लेकर झूठ नहीं बोला जाएगा। मैं जिंदगी भर का रिश्ता एक झूठ के आधार पर शुरू नहीं कर सकती माँ। मैं 33 की हूँ और 33 की आप सबको बताएंगे, ना 26 ना 27 ना 28, 33 की 33 की, बस ये रट लगा रखी है। अरे कितनी बार कहा है तुझे कि फेस पे चने का फेस पैक लगाया कर, तू अभी 26 की दिखाई देगी। हाँ देखिए पंडित जी, आजकल तो लुक का जमाना है, हम तो शादी ही करवा रहे हैं, थोड़ी सी उम्र बदल दी तो क्या हुआ? नहीं माँ कुछ नहीं बदलेगा, ना मैं ना मेरी उम्र। ये लड़की तो कुछ समझती ही नहीं है। पंडित जी अब आप कुछ कीजिए, या तो इसे अक्कल दिलवाइए या से लड़का दिलवाइए। एक बात कहूं, आप पैसों वैसों की चिंता मत करिएगा, इसकी शादी पर जितना खर्चा होगा ना मैं करने को तैयार हूं। पंडित जी आप खर्चे की बिल्कुल परवाह मत करो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए और 2 हफ्ते में किसी तरह ये शादी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अवश्य जजमान। थैंक यू पंडित जी। समझ गया, लड़का ढूंढना है, जल्दी ढूंढना है और अच्छा ढूंढना। अच्छे लड़के की डेफिनेशन क्या है यार तेरी? मुझे क्या पता है ये सब यार, पर डिसेंट सा लड़का जिसकी ठीक सी नौकरी है, थोड़ा सा डम टाइप भी चल जाएगा और इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसे झेल सके। तो क्या कह रहा है राम? सही तो कह रहा हूँ यार, बिकॉज आई मीन कम ऑन यार, उसकी नेचर तो तू जानता है, इतनी बॉसी और इरिटेटिंग है। आई फील दिखने में एवरेज भी अगर होगा तो चलेगा, बिकॉज आई मीन वो भी तो आखिर ठीक ठीक ही है, कोई भूर की परी तो नहीं है जो उसे राजकुमार मिलने वाला है। हाँ हाइट कम होनी चाहिए उसकी, बिकॉज प्रिया की हाइट तो बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए तो जुबान इतनी लंबी है ना उसकी। राम तू उसके बारे में ना कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बोल रहा है, मैंने देखा है उसको, इतनी बुरी भी नहीं है। सो प्रिटी लुकिंग गर्ल यार। प्रिटी लुकिंग गर्ल प्लीज, ठीक ठीक है, एवरेज सी है, खैर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कोई खूबसूरत हो या ना हो ये हमारे हाथों में नहीं होता है, लेकिन नेचर अच्छा होना चाहिए और प्रिया का नेचर
बाप रे बाप, मतलब जब भी सामने आती है काटने को डरती है यार। इनफैक्ट इसीलिए उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। राम, तेरी भी आज तक शादी नहीं हुई है? तो मेरी सिचुएशन अलग है यार, मेरे रीजंस अलग है, तू जानता है। हाउ कैन यू कंपेयर द टू ऑफ अस? देख, ये शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू, उसका पति हर रोज सुबह जब उठेगा, उसका चेहरा देखेगा ना, मुझे बद्दुआएं देगा वो। तरस आता है मुझे उसके बारे में सोचकर, लेकिन क्या करूं, किसी ना किसी तरह शादी तो करवानी पड़ेगी। अगर छोटी की शादी का सवाल है तो लड़के ढूंढ यार, प्लीज। दी, आपको ये सब इरिटेटिंग नहीं लगता क्या? यही पंडित, कुंडली, लड़के, मैट्रिमोनी, मुझे तो ये लड़के देखने का पूरा सिस्टम ही बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ना, जाकर लड़के देखो एंड ऑल, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन हाँ, मैं आपकी शादी के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। जब आपकी शादी होगी ना, मैं पूरे कॉलोनी में धूम मचा दूंगी, पूरी रात फुल ऑन डांस करूंगी और आपको भी नचाऊंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं कौन से कलर का घाघरा पहनूंगी, और वो घाघरा ना मैं नताशा से ही डिजाइन करवा लूंगी। साइन बाय नताशा कपूर। वैसे दीदी, एक बात पूछो। हाँ। आपको नताशा कैसी लगती है? कैसी लगी मतलब? ऑब्वियसली बहुत बड़ी डिजाइनर है, सक्सेसफुल है, आइडियल है, यू नो एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ, बट स्टिल मुझे ना वो बहुत अच्छी नहीं लगी। शी इज नॉट गुड फॉर भाई, हमारे घर के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं जब भी उसको और भाई को साथ में सोचती हूँ ना, पता नहीं, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा कपल लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दो लोग एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं। दो लोगों की सोच भले एक दूसरे से ना मिलती हो, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मिलने चाहिए। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एक बात बोलो, आज फिर कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से गया। अब इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? अरे, नताशा और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो बस हमें उनके प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि नताशा हमारे घर की बहू बन के आने वाली है, तो हमें उसे उतना ही प्यार देना चाहिए जितना इस घर की बेटियों को मिलता है, समझी? कभी कभी कुछ काम भी कर लिया, पकड़ इसे, पकड़। हेलो, हाँ पंडित जी बोलिए। नहीं 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 पंडित जी, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हमारी प्रिया के लिए ठीक होगा। नहीं, आप उनसे मना कर दीजिए। और सुनिए, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अच्छी बात, थैंक यू। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? पंडित जी का फ़ोन था, वो किसी रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। कितना दहेज मांग रहे हैं ये लोग, हैं? हाँ तो ठीक है ना, हम लोग दे देंगे, किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। अगर हेल्प की जरूरत पड़ी तो राम कपूर को कह देंगे, उन्होंने कमिट तो किया ही हुआ है ना हमें। नहीं 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 शिप्रा, मुझे ये लड़का भी ठीक नहीं लग रहा है। दो बार डिवोर्स हो चुका उसका। हाँ तो उस लड़की में भी तो खोट हो सकती है ना। दोनों बार, दोनों लड़कियों में? कम ऑन शिप्रा, कभी तो तुम लॉजिकल बात किया करो। पूछताछ करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ अरे प्रिया बेटा, चाय पिएगी ना? बढ़िया सी चाय बना रहा था। पापा, वैसे भी मुझे कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए देर हो रही, मैं तैयार होके निकलती हूँ। अरे बेटा सुन तो। और कहिए मिसेस कपूर, आपने राम के शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? आप ये तो बताइए कि मिस्टर धनराज गिर मॉरीशस से वापस कब आ रहे? नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। हाउ दैट्स वंडरफुल। आप कुछ ले क्यों नहीं रही हैं? टेस्ट दोस कुकीज़ दे यमी। ओके हाय। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, राम की शादी के बारे में। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना मिसेस आहूजा, उसी की बेटी है। शी इज अ कंट्री हेड फॉर अ लीडिंग एमएनसी, हमारे स्टेटस की भी है,
और दिखने में भी अच्छी है. She'll be perfect for Ram. In fact, मैंने मिसेस आहूजा से बात भी कर ली है. इशिका बेबी, एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि एक बार राम भी उस लड़की को देख लेता, हाँ कर देता, तब जाके मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को ये खुशखबरी देती. पर अब ये लग रहा है कि मुझे इन्हें अभी बताना पड़ेगा. But that's okay. She's family. किस बारे में बात कर रहे हो? Actually, मैंने राम के लिए ऑलरेडी एक लड़की देख ली है. इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं? मैं आपकी समधन हूँ. ये सब हुआ ही इतनी जल्दी. मैं अभी पिछले हफ्ते ही लड़की देखी है. मेरा प्लान ये था कि मैं एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करूंगी और वहां पर ये अनाउंस करूंगी. यू नो हाउ इट इज. तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका रिश्ता राम के लिए. कोई बात नहीं मिसेस कपूर, राम को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा. और उस लड़की से भी मुझे जल्द से जल्द मिला दीजिएगा. हाँ, आई वुड लव टू मीट वुड बी मिसेस राम कपूर. राम, ये कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने. इनफैक्ट इनमें से कुछ लड़कों ने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग भी की है. तो एक बार देख ले, अगर तेरे को प्रिया के लिए कोई ठीक लगे तो. तो मैं क्या करूं इसका? इस सही गलत के चक्कर में तू मुझे क्यों घसीट रहा है? तू शॉर्टलिस्ट बना ना, जो भी तुझे पसंद है, जस्ट मेक अ लिस्ट एंड सेंड इट टू प्रिया. एंड जल्दी कर, सारा दिन थोड़ी बर्बाद करना है इस चक्कर में. तू क्या कह रहा है? मैं तो प्रपोजल भेज दूंगा, लेकिन अगर सारे प्रपोजल प्रिया ने रिजेक्ट कर दिए तो. देख, हम लड़की वाले, अगर गलती से एक भी प्रपोजल गलत चला गया ना, तो कार्तिक और उसकी फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नच की शादी पे आएगा. तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकता ना. एक तो मैं अपनी तरफ से इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं और एक तू है कि अब कैसे पता लगाए कि उसको कौन सा लड़का पसंद है, कैसी प्रपोजल भेजे. यार तो तू प्रिया से क्यों नहीं पूछ लेता कि उसको किस तरह का लड़का पसंद है? पागल हो गया तू? वो ऋतिक रोशन को मांगेगी तो क्या करूंगा मैं? ऋतिक को पेश करूंगा उसके सामने? अरे यार, जो भी लड़का है उसको भी तो डिसाइड करना होगा ना कि उसे लड़की पसंद है कि नहीं. ऐसा थोड़ी होता है यार. तो लड़के को तैयार कर लेंगे ना. राम देख, राम प्रैक्टिकली सोचे ना तो लड़के की प्रॉब्लम नहीं है. ज्यादा से ज्यादा क्या है यार, उसको एक अच्छा जॉब दे देंगे, एक अच्छी सैलरी, घर, गाड़ी, लड़का मान जाएगा यार. यहाँ प्रॉब्लम लड़की को कन्विंस करने की है. हाँ यार, तो मैंने सोचा ही नहीं था लड़का तो आसानी से मान जाएगा, लड़की को कैसे कन्विंस करें? एंड सिंथेसाइजिंग, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल फॉर इंटीग्रेटेड एसे. एक्सक्यूज मी, मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस. हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ. मैं मतलब मैं राम कपूर बात कर रहा हूँ. I'm sorry, मुझे आपसे कुछ पूछना था. कहिए. आपको कैसा लड़का चाहिए? वो दरअसल क्या है ना, हम लोग इस वक्त लड़के देख रहे हैं और दो तीन शॉर्टलिस्ट भी किए हैं, 30-35 लाख कमाते हैं, दो तीन मॉडलिंग भी कर. एक्सक्यूज मी, मैं इस समय अपनी क्लास में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ. अरे, फोन काट दिया उसने यार. मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाला. सवाल छोटी की शादी का है. आई एम गोइंग टू गो पर्सनली मीट हर. उसकी क्लास जाके उससे पर्सनली मैं बात करूंगा. कॉन्फ्रेंस के रास्ते में ही है ना. हाँ, मैं हाँ बजा. जितनी भागदौड़े प्रिया की शादी के लिए कर रहे हैं ना, अगर आधी भी अपनी शादी के लिए करता तो आज एक सुखी बच्चों वाला आदमी होता. हे भगवान, इसके लिए भी कुछ करो यार, प्लीज. बाय बाय. हे नमन, वो देख
यार दो साल में हम बाइक से कार पर आ गए, लेकिन प्रिया मैम अभी तक वही असलम भाई की ऑटो में ट्रैवल कर रही हैं। कम ऑन लेट्स गो। अरे मैडम आज आप जल्दी आ गई, आइए बैठिए। रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रही है मैडम, लगता है इंजन में पानी चला गया है, बारिश बहुत हो रही है ना मैडम, कोई दूसरा रिक्शा पकड़ लीजिए ना प्लीज। ठीक है मैं दूसरा ऑटो ले लेती हूँ। देखना बारिश कितनी तेज हो रही है। एक्सक्यूज मी यस टोफेल कोचिंग क्लासेस यही है ना? यस थैंक यू। Love this rain. Hello, look at that. तुझे पता है गाड़ी में कौन था? कौन? राम कपूर। क्या बात कर रही है? हाँ वो यहाँ किस लिए आया होगा? अब ऑब्वियसली पढ़ने तो नहीं आया होगा। तो है। जरूर किसी लड़की को पिक करने आया होगा। हो सकता है। ओह नो यार, मुझे वो मैगजीन यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? अब देखना उसे किसी और लड़की ने पटा लिया और मैं तो वहीं की वहीं रह गई। So sad. Excuse me. ओ, तो मिस्टर राम कपूर प्रिया मैम को लेने आए हैं। हाँ यार हमारे सामने तो बड़ी लव शव की बातें कर रही थी और अब देख। दो मिनट के लिए एक जगह खड़े होने में प्रॉब्लम है आपको? आप यहाँ? ट्रस्ट मी मैं भी अपने आप से यही पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। छोड़िए उस बात, आप दो मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठे की जरा बात करनी है। हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ गीला हो रहा है, प्लीज सिर्फ दो मिनट। दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। उफ़ इतना पानी। कहिए। हाँ, एक मिनट। जस्ट वन सेकेंड। यस। ये सब क्या है? कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स हैं एंड प्रोफाइल्स हैं, ये मैंने शॉर्टलिस्ट किए। दरअसल मैं डायरेक्टली इन्हें अप्रोच करने जा रहा था, लेकिन मेरे दोस्त विक्रम ने समझाया कि आखिर शादी तो आपको करनी है, इसीलिए आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बिना बुलाए मैं आ गया। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ऋषि वाले, 35 साल का है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, थिंक इज क्वाइट सूटेबल, मतलब मेरा ओपिनियन। इसकी तनख्वाह 50,000 है। वैसे आप इनकम कितना एक्सपेक्ट कर रही थी? वो आपका 35,000 है, इसलिए मैंने सोचा 50,000 शुड बी ओके, लेकिन आप बताइए। 50,000 थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? आई मीन 50,000 में आजकल होता क्या है मिस्टर कपूर? ये बात ही सही है, आई एम सॉरी, मैं 75,000 के नीचे नहीं देखूंगा। गुड गुड, यही चाहता था मैं। वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। ओके स्किन कलर के बारे में बताइए, आपको क्या स्किन कलर पसंद है? व्हीटिश, गोरा, सांवला? सांवला। कितना सांवला? आपके कोट के कलर ब्लैक। मुझे इतने ही सांवले लड़के अच्छे लगते। कहा था मैंने विक्रम से इससे चॉइस पूछेंगे तो ये हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। सब नेचर की प्रॉब्लम है। और हाँ, वो आपने इनकम के बारे में पूछा ना, तो मुझे लगता है कि लड़के की एनुअल इनकम 5-6 करोड़ तो होनी ही चाहिए। उससे कम में कहाँ चलेगा? और मुझे लड़के टॉल अच्छे लगते, टॉल डार्क एंड हैंडसम। कम से कम 6-7 फुट के तो होने ही चाहिए। मिस्टर बच्चन से थोड़ा लंबा होगा तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ पतले। आप मजाक कर रही? मैं इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मजाक कर रही?
मजाक तो आप कर रहे हैं मिस्टर कपूर। इनफैक्ट आप मेरा मजाक बना रहे हैं। लेकिन क्या मैं? प्लीज मिस्टर कपूर बंद कीजिए ये सब। मेरे लिए लड़का ढूंढने का काम मेरे माता पिता का है, उनसे उनका ये हक मत छीनिए। थैंक यू। बात तो सही है। चलो अंदर। प्रॉब्लम है इस लड़की में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।